मामूली विवाद के चलते तीन युवकों ने शख्स पर लोहे की रॉड और पत्थर से वार कर गंभीर जख्मी किया। धंतुली गार्डन के पास हुई इस घटना में पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लेकर दो की तलाश कर रही है। धंतोली गार्डन के पास मामूली विवाद के बाद तीन आरोपियों ने एक 26 वर्षीय होटल कर्मी की हत्या करने का प्रयास किया। जख्मी कलमेश्वर निवासी आशीष गजानन जीवतोड़े है। वो नागपुर के एक होटल में काम करता है और सदर में किराए के रूम में रहता है। गंभीर जख्मी आशीष का धंतोली के एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। आरोपियों में धंतोली तकिया सरस्वती नगर निवासी नीलेश गजबे उम्र 27 वर्ष, सुगत भगत उम्र 19 वर्ष और गुंजन भूरे उम्र 19 वर्ष का समावेश है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 15 अप्रैल को तड़के 2:30 बजे आशीष ड्यूटी के बाद धंतोली गार्डन के पास पोहा खाकर रूम पर जा रहा था, तभी उसका आरोपियों के साथ मामूली विवाद हो गया। आरोपियों ने लोहे की रॉड और पत्थर से हमला कर आशीष को गंभीर जख्मी कर दिया। उसके सिर पर गंभीर चोट लगने से वो बेहोश हो गया। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया है। आशीष के होश में ना होने से रिश्तेदारों को भी मामले की जानकारी नहीं थी। शनिवार 22 अप्रैल को भतीजे से जानकारी मिलने पर प्रशांत घुगल धंतोली थाने पहुंचे। फरियादी घुगल की शिकायत पर धंतोली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर आरोपी नीलेश को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य दोनों आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। दिनांक 15/4/23 रोजी पहाटे वेळेला एक इसम पोलीस स्टेशनला एक युवक जखमी अवस्थेत पडल्याबाबत सांगण्यासाठी आलेला होता। आमची टीम त्या ठिकाणी पोहोचली। सदर अनोळखी जखमी जो इसम होता, तर त्याला मेडिकल ट्रामा सेंटर या ठिकाणी भरती करण्यात आलेलं होतं। जखमीची ओळख साधारणतः 2 दिवसानंतर पडली। त्यानंतर त्याच्या नातेवाईकाशी संपर्क साधला। जखमीचं नाव आशिष गजानन जीवतोडे राहणार तिष्ठी कळमेश्वर या ठिकाणचं आहे। त्याच्या नातेवाईकांना बोलावून घेण्यात आलं आणि जखमीला ज्याने कोणी मारहाण केलेली आहे ते मारहाण कोणी केली, कुठे केली आणि कशासाठी केली याबाबतचा उलगड्याच्या दृष्टीनं तपास केला। तपासाअंती असं निष्पन्न झालं की जखमी जो आहे आशिष जीवतोडे आणि त्याचे जे आरोपी मित्र जे साथीदार आहेत सुगत भगत गुंजन भूरे हे सर्वजण इटर्निटी मॉल या ठिकाणच्या अवरा रेस्टॉरंट या ठिकाणी वेटरचं काम करतात आणि त्या ठिकाणी वेटरचं काम करत असताना कस्टमरकडून ज्या टिप्स मिळतात त्यावरनं त्यांचा वाद झालेला होता। टिप कमी जास्त याच्यावरनं किरकोळ वाद झालेला होता। वाद झाल्यानंतर यातील जखमी हा त्याचा दुसरा जो मित्र आहे गणेश काळे याच्यासोबत त्याच्या धंतोली गार्डन या ठिकाणच्या रूमवर रात्री पहाटे 3:30 वाजता जात असताना त्यातील जे त्याचे आरोपी मित्र साथीदार आहेत त्यांनी त्या जखमीला रॉडनी मारहाण केलेली आहे आणि जो आरोपी क्रमांक जो तिसरा आहे निलेश पोहेवाला याच्या गाडीमधनं ते फरार झालेले आहेत। जखमीचे नातेवाईकांच्या रिपोर्टवरून 307 प्रमाणे गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि एक आरोपी अरेस्ट करण्यात आलेला आहे निलेश पोहेवाला आणि दुसरे 2 आरोपींना सुद्धा अटक करीत आहोत। पुढील तपास करत नाही यातील आरोपींचं पूर्ण म्हणजे जुनं रेकॉर्ड नाही आहे। हे सर्व एकमेकांचे मित्र आहेत आणि आपसात किरकोळ वादावरण जे आहे ते वादाचं रूपांतर गंभीर स्वरूपात झालेलं आहे। NBC News के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ माहिन पठान की रिपोर्ट।